मुझे अजय ने बोला था कि जो आपका कैरेक्टर है वो थोड़ा मैं ग्रे और इसलिए मुझे ब्लैक कपड़े पहनाए थे जी. और चित्रांगदा का काफी ब्राइट वो वैसा है, तो आपको रोना और बहुत सैड लगना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो वो जब सीक्वेंस शूट कर रहे थे रोने का, तो मैं रो लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं. अभी मुझे बोलो रोने का, भी रोने लग जाऊंगी. तो वो कोई आई नेवर यूज ग्लिसरीन, तो मैं तो ऐसे ही रो लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रोज का काम है प्रमोशन में, पहले ये भाव खाते हैं. फिर बोलेंगे जिमी गाएंगे, जिमी गाएंगे, फिर जिमी अगर या तो गा भी देगा, इतनी गंदी आवाज होगी उसकी, इनकी आवाज अच्छी लगेगी आपको. और अगर नहीं भी गाएगा तो ये होगा कि हम लोग स्पॉट हैं, हम लोग गाएंगे और इसने नहीं गाया. तो हर तरफ से इनकी विन विन सिचुएशन है. तो मैं माथा टेकता हूँ उनको, वो कहता हूँ आइए आगे दो लाइनें सुनाइए, क्योंकि ये हमारा एक गुडविल जेस्चर है. आइए मैम, सब चाहते हैं जिमी की आवाज. कम ऑन कम ऑन, दे 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 जिमी, देखिए सब बोल रहे हैं कि आप लोग. एक बन चुका है हमारा ये फॉर द गुड लक फॉर द फिल्म. ओके जी, साथ में गा रही है, चलिए अब तो गा दीजिए. लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले. क्या बात है. आई नो कि यू नो आपने ये जो गाना रिक्रिएट किया है, काफी प्रेशर फील हुआ होगा आपको इस गाने को रिक्रिएट करने के पहले, क्योंकि इतना क्लासिक, इतना बड़ा गाना रहा है. थैंकफुली मैं कहना चाहूंगी कि शब्द जो हैं वो वही रखे गए हैं, सो जो भाव है वो गाने का बदला नहीं है. बदन, आपका क्या कहना है? आपको भी ऐसा लग रहा था क्या कि ओह माय गॉड मुझे ये गाना रिक्रिएट करना है, कर पाऊंगी नहीं? एक्चुअली यस, व्हेन आई फर्स्ट फाउंड आउट आई वाज एक्साइटेड बट आल्सो एक्सट्रीमली नर्वस. दिस सॉन्ग इज क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट, इट्स आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एवर टूर्ड विद एन इंडियन आर्टिस्ट सोनू निगम जी, this was the first song I sang on his tour. Oh really? It opened the entire concert for I think 18 concerts in a row. So I love this song very dearly, and when I found out I had to sing it, I was a little stressed, but I want to say thank you actually to Rana ji, Rana Mazumdar, who, is he here? No, he's not here, but he's the one who's reproduced the song and rearranged it, and I think he did an amazing job of keeping the essence of the original, because what Madan Mohan ji and Lata ji have done, nobody can ever Absolutely. Do justice to what they've done. No.